कि कभी रोटी सब्जी दाल चावल सब्जी रोटी रोज यही मिलता है जी। तहड़ी मिलता है। तहड़ी रोज मिलता है जी? रोज नहीं मिलता। हाँ क्या क्या मिलता है वही तो पूछ रहा हूँ जी। तहड़ी मिलता है और जी रोटी सब्जी दाल चावल। मतलब मीनू के अनुसार मिलता है जी। नहीं है कब मिला था जी? तो इतने दिन हो गए कि याद ही नहीं है फल और दूध कब मिला था। क्या मिलता है खाना? हाँ। रोज मिलता है। दूध और फल पिछली बार कब मिला था याद है कि नहीं याद है? ये किताब किस दिन मिली है बाबू आपको? जी परसों जी मिली। परसों ये किताब मिली है जी? जी ये किताब कब मिली है? ये वाली किताब कब मिली है आपको? जी ये परसों मिली है। अच्छा तो छुट्टी थी कल। प्राथमिक विद्यालय कलवारी में जो आप रौनक देख रहे हैं वो रौनक यूं ही नहीं आई, ना ही सारे प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की किस्मत ही ऐसी है। यहाँ रौनक इसलिए है क्योंकि आज जिले की नोडल अधिकारी संध्या तिवारी यहाँ पर आ रही हैं। वो स्कूल का जायजा लेंगी और यहाँ की कमियों को देखेंगी। कमियाँ ना दिखाई दें इसलिए जिला प्रशासन ने इसे पहले ही दुरुस्त कर लिया। काम अभी भी चल रहा था, कुछ देर पहले ही बंद किया गया है। बच्चों को एक दो दिन पहले किताबें दी गई हैं, उन्हें ड्रेस दिया गया है और वो तमाम चीजें जो खाना पूर्ति के तहत की जानी चाहिए वो की गई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारियों के आने पर ही स्कूलों या अस्पतालों या तमाम जगहों पर विकास की वो इबारत लिखी जाएगी? इससे पहले जो जनता का अधिकार है वो क्यों नहीं दिया जाता? बलरामपुर से मैं योगेंद्र पाठी, ईटीवी भारत।